क्या बात है। कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया है। छोटा जी आप पहना ये देखो, इनको डालो कैमरे। आप पता है कैसे लग रहे हो? निशांत ऐसे कपड़े पहनते हैं देखो। और प्रतीक ऐसे नाइट सूट, प्रतीक ऐसे जो मैंने एक बार मैंने भी पहना। मैम मेरे कैमरे देखो ना। सॉरी ओ वेट, सो सॉरी। हम पता नहीं क्यों देख रहे हैं, फोटो खींचे हम दूर दूर फोटो से साली, तो वैसे अलग पोज करेंगे, मैं भी अलग पोज। इधर बस से फोटो खींच। ये वाला कैमरा मेरा वाला। हां यार आप कैसे बोलते हो मेरा वाला, मतलब कैमरा बोला। अभी देख तो ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ, आपको लग रहा है अभी दिख नहीं रहे हो आप। अरे यार क्या यार कुतुब यार, क्या अभी हो गया यार? नहीं, ओके ओके ओके, रिलैक्स। मेरा पिंपल मत दिखाना ठीक है? मेरे पिंपल को आप फोटोशॉप छुपा देना। यस रियल एज सब सब सब। मैंने ड्रेस भी बिग बॉस की पहनी है। मैंने ये सुनो ना, उधर से चल के आओ ना, थोड़ा सा वॉकिंग रेल के लिए। हाँ ये अंदर से वाला मुझे फिर ऐसे। हां थोड़ा स्लो चलना। मास्क नहीं मैंने, चलेगा कोई नहीं विदाउट मास्क। बेमसी वाले अभी छुट्टी पे है। छुट्टी पे बोलो ऐसे, चलो ठीक है। मत बोलो हम आपसे डरते हैं। रेडी वन टू थ्री गो। थोड़ा सा नीचे आ, नीचे 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 जल्दी। वन टू थ्री गो, उतर जाओ नीचे। चलो इसने मुझे टास्क में भी ऐसे ही धक्का मारा था। बड़ी वहां तो मैं कुछ बोली नहीं, इधर इधर यहां मैं बोलूंगी। क्या बोलोगे अक्का सर जी? इधर जो मैं वहां शो भी कुछ नहीं बोली, यहां कुछ तो बोलना पड़ेगा ना मुझे। अक्का सर जी इधर देखो। जैसे बिग बॉस में झगड़ा होता है वैसे कभी रियल में हुआ है? नहीं अभी हम पहली बार मिले हैं छोटू जी। इस बार मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ, नहीं शो में भी नहीं हुआ। हमारा झगड़ा हुआ था कभी बिग बॉस में? नहीं नहीं नहीं, हमने भी नहीं। मेरा नहीं, मेरा मेरा सिर्फ गाड़ी चलाते चलाते बहुत झगड़ा होता। ओके बाय बाय बाय। अरे सुन दी बॉस बॉस। Oh shit! I have to show you something. Okay, okay, okay. I'm only showing my. देख सारा दे दे मुझे सब तेरी boy मैं ही। एक मिनट, अगर मैंने pants पहनी होती थी तो मैं आपको नहीं पकड़ाती। मैं इस मुझे पता नहीं कि मेरे बाल और मेरे कैसे लगते हैं। इधर इधर तेरा कैमरा। हाँ पता किसी को नहीं। True facts. बिग बॉस के ऐसे जन जिन्हें गेम खेलना नहीं आता, गुस्सा करना नहीं आता। नहीं गुस्सा मुझे आता था लेकिन मैं गलत जगह पे। हम लॉस्ट सोल्स थे एक्चुअली, बिकॉज हम ज्यादा इमोशनल थे, हम इमोशनली गेम खेल रहे थे और वो ऐसा प्लेटफॉर्म था कि वहां मुझे शो पे मुझे डांट रही थी आकाशा ज्यादा इमोशनल मत हो, एंड आई वाज जस्ट लाइक तू क्या कर रही है दोस्ती। नहीं हम विधि दोस्ती में बह गई और मैं उसमें बह गई कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती हूँ, और सबने हमारी फीलिंग्स हर्ट कर दी। ट्रू दैट, ट्रू दैट, बहुत सही। सो अभी कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस को? हम एक्चुअली ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हम एपिसोड कम देख पा रहे हैं। हाँ मतलब शुरुआत में मुझसे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे भी मुझे मैं क्योंकि इतना मिस कर रही थी, बट मुझे तो वीडियोज़ मेरा कहीं नाम बोला जाता है और मुझे 50 वीडियोज़ आ जाती हैं, तो बट देख रहे हैं मेरे घर पे। जैसे मैंने पहले भी बोला है, मम्मी तो बिग बॉस 24/7 देखती है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा होता है, हमने मम्मी स्लो करो, मम्मी से अच्छा थोड़ी देर पहले तू भी अंदर जाके ऐसे ही चिल्ला रही थी, एंड आई एम जस्ट लाइक ओह शिट। बट हाँ जैसे
जिस तरह से प्रकाशा की ये एक फैन फॉलोइंग बन गई थी, बहुत ही ज्यादा ऑडियंस मिस कर रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगी दादा? यार ऑनेस्टली मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि चुप कर दोस्ती बोला ना अभी ज्यादा एंगल मैं भी मुकर बहुत मिस कर रही हूँ यार, मतलब ऑनेस्टली इतना अजीब लगता है क्योंकि बहुत अच्छी प्यारी दोस्ती सच्ची दोस्ती बन गई थी और ऐसा हुआ कि लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ के जा रही हूँ उनको और मैं अभी उनसे नहीं बात कर सकती और वहाँ से वो भी यू नो एवरी सेकेंड डे कुछ ना कुछ सिग्नल भेजते हैं या मैसेज देते हैं, आई एम जस्ट लाइक मैं कैसे उधर बोलूँ कि मैं बहुत बहुत मिस कर रही हूँ, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। विधि आपकी भी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग दिख रही थी सबके साथ, हाँ, आज क्या कुछ बोलना चाहिए? सबके साथ बहुत अच्छी, मेरी भी सबके साथ ही थी, ओके एक जन के साथ एंगल बना लिया उन्होंने। हाँ सो एग्जैक्टली लाइक सेड आई विल बी वेरी वोकल, आई वाज वेरी मच कनेक्टेड टू अकाशा, उमर, करण इन द हाउस एंड आई रियली शेयर्ड अ वेरी वेरी ग्रेट बॉन्ड विद देम और मुझे लगता है कि अकाशा को तो जैसे मैं मिली ली बाहर आते ही, आई थिंक आई एम वेटिंग एक्साइटेड है हम जेन्युइनली हमने मिली लिया फाइनली आके जब हम दोनों अपने अपने कामों से थोड़ा फ्री हो गए एंड आई एम वेटिंग कि मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी बाहर आए, लेकिन हम वेट करेंगे, हम चाहते हैं हमें टॉप में देखना। नहीं नहीं मैंने सबसे पहले मैं यही सोच रही थी मुझे आते ही मेरी एक दो फ्रेंड्स ने क्योंकि मैंने जब बोला कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ बट आई वाज लाइक नहीं नहीं फिनाले के बाद, हाँ, मैंने कभी भी ये नहीं मेंशन किया जब वो बाहर आए, नहीं फिनाले के बाद स्पेशली जो दो तीन हमारे ऑब्वियसली उमर प्रतीक उमर हम वेट कर रहे हैं फिनाले कब आए, शो कब खत्म हो या हमें अंदर भेज देना चाहिए थोड़ी देर। या वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से गेम प्ले करेंगे आप? नहीं मैं सीख नहीं, देखो मैं मुझे पता है कि मैं सीख गई थी खेलना शुरू किया ही था मैंने और अब बाहर आके आई एम श्योर विधि को भी काफ़ी कुछ रियलाइज हुआ होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ रियलाइज़ हुआ, तो वो पहले भी मुझे लगता था कि अगर मुझे पहले हफ्ते में ही बाहर भेज के फिर अंदर तो क्योंकि जो मैं थी वो तो मैं खुल के आई नहीं, वो मैं लास्ट हफ्ते में समझ में आया मुझे और मैं भी बात बोलने लगी, रैशनल कॉल्स नहीं ले पाए। हाँ एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम इमोशन रैशनल नहीं और आई फील लाइक जो मुझे मैंने कभी ये नहीं सोच के किया कि अगर मैं ये करूँगी तो मैं दिखूँगी, अगर मैं जैसी मुझे फीलिंग आई वैसे मैंने की, वैसे दोस्ती दुश्मनी नहीं बट आई वॉज मेंटेनिंग माई डिस्टेंस फ्रॉम सम पीपल, मैं सबके साथ मेरी नहीं बन जिनके साथ नहीं बनी थी मैं उनसे दूर थी बट हाँ कुछ गलतियाँ कर दी कुछ भरोसे करके तो वो ठीक करेंगे जाके अगर हम वापस अभी मौका मिला तो। सो अभी जो रिसेंटली एपिसोड चल रहे हैं अभी अफसाना का जिस तरह से बिहेवियर रहा क्या कुछ उस पर कॉमेंट होगा आप दोनों का? आई फील के जो हुआ वो ऑब्वियसली बहुत सही नहीं हुआ बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग विच इज़ सीरियस, सो आई एम ग्लैड कि बिग बॉस ने कॉल दिया कि उनको घर से निष्कासित करने का बिकॉज मुझे लगता है कि अगर किसी को एक सीरियस हेल्प की ज़रूरत है तो वो ऑब्वियसली उस घर के अंदर उस माहौल में नहीं मिल सकती बिकॉज वो उनके लिए तो स्ट्रेसफुल है पर बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी बहुत अनफेयर हो जाता है एक पॉइंट पे, सो आई होप कि अब वो घर के बाहर है एंड शी वर्क्स ऑन हर मेंटल हेल्थ एंड वो ठीक हो। आई थिंक वही एग्जैक्टली दैट मैं मुझे पता है कि घर में भी आई थिंक ये पहली बार नहीं हुआ है, एक दो बार उन्होंने देखा है बट ये काफ़ी बार हुआ है और मुझे घर में स्पेशली बोला जाता था कि तू क्यों बिकॉज मैंने ऐसे डील किया है किसी के साथ, ये मैं घर पे भी बोलती थी तो जब वो कुछ ऐसा करती थी मैं उन्हें पकड़ के रखती थी थोड़ी देर उनको हैंडल करने के लिए, बट तब भी एक दो जनों ने घर में बहुत सही बात की थी कि ठीक है अकाशा तुझे यू हैंडल हर बट हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तो कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाए वो हमें नहीं, तू इमोशनली उन्हें सपोर्ट करिए बट ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है उनको मेंटल कंडीशन है, तो आई फील लाइक डॉक्टर्स को डिसीजन लेना चाहिए एंड बिग बॉस ने ये सही किया है बाहर जाके डॉक्टर्स से उनको अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बिग बॉस में रहना आसान चीज़ नहीं है, मेंटल हेल्थ हम सबकी बहुत सफ़र करती है तो अगर तो वो फिट हो जाए मेंटली फिट एंड इफ़ दे ब्रिंग हर बैक बिकॉज देखो एंटरटेनिंग तो वो है आई अग्री ऑडियंस को इसलिए पसंद आ रही है इवन दो उन्होंने मेरा दिल दिखा और मैं उनसे बहुत कंप्लेन करने वाली हूँ बट इफ़ शी इज़ बेटर देन शी शुड गो इन बिकॉज विधि इज़ राइट, वो बाकी सबके लिए एक थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है हैंडल करना क्योंकि हमें नहीं पता कि उस टाइम पे क्या सही है क्या गलत और वो क्या उन्हें ज़्यादा उकसा सकता है उस मेंटल कंडीशन में। अगर अकाशा आपसे पूछा जाए आप सबसे ज़्यादा मिस किसे करते हैं?
आपको मुझे पता है कौन सा जवाब चाहिए, मैं विधि को मिस कर रही थी, विधि मुझे मिल गई। नहीं ऑनेस्टली अनफिल्टर वाला जवाब, ऑब्वियसली नहीं अनफिल्टर नहीं, वो सबको पता है मैं बहुत वोकल रह चुकी हूँ। डेफिनेटली दो तीन जन जिनको मिस करके विधि तो बहुत चप्पल मारने वाली हूँ अंदर, तो आरोप मैं कुछ नहीं कर रही। नहीं ऑब्वियसली प्रतीक को बहुत, बिकॉज एक इमेजिन आपने इतना अच्छा दोस्त बना लिया और इतनी अच्छी दोस्ती जिसके साथ आप लिटरली 24/7 घर में हम सबके साथ, स्पेशली प्रतीक को, उसके बाद ऑब्वियसली उमर सिम्बा के साथ जो हम हैंग आउट करते थे, करण और तेजा के साथ, मैं उनको भी मैं मिस करूँगी, बट डेफिनेटली बिकॉज प्रतीक के साथ इतना मैंने टाइम स्पेंड किया अंदर एंड इतनी बातें की, तो आई एम वेटिंग कि वो ही दोस्ती हम बाहर भी करें। एंड विधि और मैंने तो फुल प्लान कर लिया कि कैसे क्या होगा जब हम सब मिलेंगे, मस्तियाँ करेंगे, बिचिंग करेंगे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जैसे कि आपने कहा उमर आपका बहुत खास दोस्त है, लेकिन अफसाना के साथ भी उमर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उमर ने अफसाना को ना चूज करके तेजा को चूज किया VIP एंट्री के लिए, तो आपको क्या लगता है ये सही किया उमर ने? सी बिकॉज अभी आई कांट अनफॉर्चुनेटली गेट इन टू समवंस ब्रेन एंड थिंक कि वो क्या सोच रहा होगा। उसने जो जितना बोला है उसने यही बोला है कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू उसे लगा कि ये जो लोग हैं वो मुझे गेम में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे या जो भी है, बट आई फील उमर को इंडिविजुअली खेलना चाहिए, ही डजेंट नीड एनीबडी, ही डजेंट हैव टू थिंक, ये मुझे बस गलत लगा। बट बाकी सिंस आई एम हिज फ्रेंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम इन वट एवर ही डज, आई विल बी बायस फॉर हिम आउटसाइड से, बट आई फील कि ही डजेंट नीड एनीबडी। अगर कोई ये मैसेज पहुँचाए उस तक कि उसे ना करण की ज़रूरत है, ना तेजस्वी की ज़रूरत है, ना विशाल की, ना निशांत, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ही शुड डू एंड बी लॉयल टू पीपल ही इज कनेक्टेड टू, एंड आई होप कि आगे वो ये करें। ऑनेस्टली मैंने वो आज देखा वो वाला एपिसोड वहाँ तक, एंड मुझे पहले लगा कि वो शायद लाइक शी सेड, एंड मैं भी बहुत क्लोज हूँ, बट बायस मैं शो पे भी प्रतीक से भी लड़ाई करती थी, इवन दो आई वाज, बिकॉज आई फील लाइक व्हाट इज़ राइट इज समवन शुड जस्ट एक बार उमर को बिठा के बोल, अगर मैं वहाँ होती तो मैं बोलती प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता चले कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आपको कौन आगे तक सपोर्ट करेगा। आई अंडरस्टैंड उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि है डिफ़िकल्ट डिसीजन यार, उस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, बट मे बी इफ़ वो कुछ और करते तो वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता, बिकॉज या डेफिनेटली करण को इफ़ ही चोज, वो एक दूर की अलायंस सोच रहे हैं, बट उसके बाद आई थिंक उन्होंने इमोशनली सोचा कि नहीं मैं इसे बुरा लग जाए, जैसे मैं करती थी इसे बुरा लग जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा, एंड आई डिड फील वेरी बैड एंड आई फेल्ट, मुझे दिख रहा था उमर को कितना बुरा लगा है जब अफसाना ने वो चीज़ बोली। मैं ट्वीट भी करने वाली थी ये शो रिश्तों का नहीं है, और जो मैंने एक हफ्ते पहले बोल शो में ही बोल दिया था, मुझे वो फील हुआ उमर की तरफ से भी, एंड आई सॉ दैट उमर को लगा कि ओ नो यू नो मे बी आई शुड डू दिस। सो आई थिंक वो एक टाइम होता है जब आप नहीं सोच पाते, बट आई होप अब से उमर इज मोर, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ ही इज़ प्लेइंग रियली वेल, वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं। उमर और प्रतीक को थोड़ा सा अपनी लड़ाई हटा के अगर वो साथ में खेले ना, इतना कमाल खेल सकते हैं, है ना, लाइक आई थिंक रियल बी, एंड दे आर गुड टुगेदर, लाइक वो दिखाया नहीं है बट मैंने देखी है उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सो आई एम एक्चुअली वेटिंग टू सी व्हेन दैट हैपेंस, या आई वांट टू सी देम प्ले, बस लड़ने इसलिए तो मैं भी जब भी कोई लड़ रहा था प्रतीक से बोला इसने गलत किया, तुम दोनों बेवकूफ़ को लड़ना मन करो। सो बिग बॉस 15 जब बाहर निकल कर देखे तो क्या कुछ आपको लगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लग रहा है, आप दोनों की ओपिनियन क्या होगी इस पे? सबसे ज्यादा बायस्ड आंसर नहीं देना, नहीं नहीं दूंगी। जैसे मैंने प्रतीक को लेकर हमेशा कहा था कि मेरी उससे बनी नहीं, बिकॉज उसकी हरकतें मुझे कभी कभी समझ नहीं आती थी, पर मुझे दिल का हमेशा अच्छा लगा, ये मैंने हर इंटरव्यू में कहा है। सो आई थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड व्हेन इट कम्स टू गेम, उसको पता है वो सही चीज़ करता है, उसको पता है कब क्या कैसे करना, ही इज़ गुड दैट वे। आई थिंक उमर इज़ वेरी वेरी गुड, करण ऑब्वियसली आई थिंक ही नीड्स टू रियली फोकस ऑन हिज गेम, ही तेजा शी स्ट्रॉन्ग, Jay, I was really, really, really connected to him also. So I feel these are like my 4-5 people I feel should, आई थिंक ये मैंने अभी पहले भी पीछे बोला था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट, अब मैं सब देख के बोल रही हूँ, घर के अंदर भी देख के और बाहर से, मुझे पता है ऑडियंस को भी क्या लग रहा है, और हाँ दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरे दोनों के बीच में पिस्ती भी थी कभी कभी, बट करण और प्रतीक की बिल्कुल ऑपोजिट गेम है एक दूसरे से, इफ़ यू नोटिस बहुत अलग खेलते हैं दोनों। आई नो आई ऑल्सो अग्री कि करण थोड़ा सा लाइक आई
आई वॉन्ट बी लाइक क्या हो रहा है आपको, मतलब आप यहाँ ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा. बट बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी गुड एट द गेम, दे बोथ हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट गेम राइट नाउ. आई लव जैसे शमिता भी जैसे खेल रही है इस वक्त, उमर की गेम मुझे बहुत सही लगती है डेफिनेटली, निशान ये वो. बट आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट जो मुझे लगता है दोनों को देख कर मज़ा आएगा कि कौन क्या करेगा, बिकॉज दे आर सो ऑपोजिट और ऑडियंस का व्यू उनके अगेंस्ट इतना ऑपोजिट है, इस कारण एंड प्रतीक फॉर श्योर. आई वॉन्ट टू सी क्या होता है अगर करण थोड़ा सा क्या हो रहा है करण. एंड जाते जाते अपनी ऑडियंस और अपने फैन फॉलोइंग को क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? Thank you for such I don't know, I'm so speechless कि इतना प्यार देने के लिए और वो भी इतना unconditional. नहीं लगा था actually जब मैं ढाई हफ्ते से रहकर आई कि मुझे इतना 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 प्यार मिलेगा. And I'm so touched and I hope कि that coming मैं बहुत greedy हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए. And I hope कि मैं आपको reasons देते रहूँ to love me. That's it, thank you. मुझे भी यही बोलना है, मुझे तो बहुत सारे पहले तो शिकायतें भी आई थी साथ साथ में, आप तो ऐसी नहीं थी अंदर, आपको क्या हो गया? बिकॉज एक कोई अलग ही मेरा व्यू था कि मैं ये बैड एस बाइक चलाने वाली, लड़ाई करने वाली. बट आई एम सो ग्लैड. और कल ही मैं बाहर गई थी मेरे कुछ लोगों को मिलने, दे वर सो स्वीट कि सबको दिखा, दे वर लाइक आप दिल से खेली, आप नहीं थी उस शो के लिए हमें समझ में आया, बट जब भी आपने जो भी किया सही किया, दैट मैटर्स अ लॉट जब आप घर से निकलते हैं, क्योंकि बहुत व्यूज़ होते हैं. और जिन लोगों को लगा कि मैं बोरिंग हूँ, तो मैं मेरी एंटरटेनमेंट बहुत बची हुई है अभी, मेरे बहुत गाने आने वाले हैं, जो मैं काम एक्चुअली करती हूँ वो मैं करने वाली हूँ, इसी तरह मैं करती रहूँगी. एंड प्रकाशा के भी इतने इतने प्यारे एडिट्स बना बना के मुझे ऑनेस्टली ऐसा रोना आता है, आई एम जस्ट लाइक मत करो मैं वहाँ पर नहीं हूँ. बट थैंक यू सो मच एंड ऑनेस्टली फॉर अप्रिशिएटिंग कि ठीक है ये इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट स्टिल लविंग अनकंडीशनली. काफ़ी चीज़ें विधि ने भी बोली एंड बस हाँ वही, मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, प्यार करते रहो, मेरे सारे गाने सुनो और आपकी जो मांगे हैं वीडियोज़ की वो पूरी करेंगे हम जब लोग घर से बाहर ख़त्म करें. बहुत बहुत एंटरटेनमेंट एक्चुअली आपको जब हमारे लोग घर से बाहर आएंगे. oh, हाँ. yeah. हमें और दूसरा शो बनाना चाहिए. हाँ बनाएंगे मिनी बिग बॉस. अभी कंगना रनौत के ऊपर ना अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता, जिस तरह से लीडर हमारे थे और उन्होंने बोला है कि जिस तरह से हमें आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या कुछ आपकी ओपिनियन? ऑनेस्टली मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, तो बहुत गलत होगा अगर मैं इस पर कुछ बोलूँगी सिर्फ इतना सुन के. आई थिंक आई वॉन्ट टू हैव द full information, I want to understand the whole scenario mere hisab se, and then I think I'll be able to say something else. I don't maine bhi nahi suna unhone aisa bola hai, but I don't know ki agar aisa bola hai to main jaake dekhti hu kya tweet pe, to khair twitter se to unko hataya hua, I think aa gayi hai wapas wo twitter pe, not yet. So kahan bola unhone aisa interview mein? Yeah. मैं देखती हूँ जाके, क्योंकि काफ़ी कुछ बोला जाता है. हम बहुत बिजी हैं बिग बॉस की. हाँ बट ऐसा अगर बोला है तो ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानती ये बात, बट मैं जाके देखती हूँ. अगर अलायंस की बात करेंगे, अभी रिसेंटली अभी सुनने में आ रहा था कि शमिता भी अलायंस कर रहे हैं, अपने ग्रुप बना रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उमर को, प्रतीक को, इनको भी कुछ अपना अलायंस करना चाहिए? यार देखो उमर कर रहे हैं अलायंस, उन्होंने अलायंस ही अपनी तरफ से सोच के करण तेजा को जो वो लेकर गए, बट वो प्रॉब्लम क्या हो गई कि आई थिंक प्रतीक की अगर बात करें तो उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है अलायंस का. इट्स नॉट कि उन्हें लगना है कि मैं अकेला हूँ, बट प्रतीक ऐसे हैं कि वो बहुत फेयर में बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो मैं मुझे सही लगेगा वो ही करूँगा और मैं किसी को छल वो करके नहीं आगे जा सकता वट एवर. तो प्रतीक के अलायंस की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि वो घर वालों से भी अलायंस बना ले पर उन्होंने नहीं बनाई. उमर आई थिंक कर रहे हैं अलायंस. सी आई हैव रियलाइज कि इस गेम में अलायंस इन द सेंस काम आती है बिल्कुल, बिकॉज आप जब एक किसी मोड़ पर आते हैं जहाँ पर इट मैटर्स कि कौन आपको आगे लेकर जाएगा चीटिंग करके, बिकॉज शमिता ने विशाल के साथ अलायंस बनाई थी इसलिए हम उस घर के अंदर गए थे, आगे जाके करण और तेजा की अलायंस बनी थी इसलिए उमर तेजा को भी अंदर लेके गए. सो मैटर करता है अलायंस बनाना, बट वही है कि सोच समझ के बनानी चाहिए कि तुम्हारे असली कौन है, ये ना हो कि ऑलरेडी किसी की अलायंस बनी और वो तुम्हें सिर्फ यू नो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करके ना करने. समझना बहुत मुश्किल है भाई घर में,
हमारा साबुन स्लो था इस बार, मेरा तो बहुत स्लो था। नागिन गा देती हूँ, नहीं एथिया गा देती हूँ, सलमान सर, सलमान सर खींच मेरी फोटो, नहीं हाँ एक्चुअली मीडिया के लिए यही गाना चाहिए बट सलमान सर का गाना है सिंस तो वो गा देती हूँ। कदी ते क्लोजर आ मैं तेरे हार्ट नु टच कर ला के जटनी पिछे नहीं हटनी तू एक दिन मेरा ही होना। सलमान सर के लिए था, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। हमारी कॉफी ठंडी हो गई।